हेलो गाइस, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कहता है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों, मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। जब मैंने ये वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनाई थी तो उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो को टेंशन मत लीजिएगा। किसी भी तरह की जो कैलकुलेशन होगी मैं उसको दोबारा करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास एक कॉइन है, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। मतलब ये मान लेते हैं हम कॉइन दे रखी है आपको, कॉइन का डायमीटर आपको गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, 1.75 सेंटीमीटर है तो ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया, ठीक है। और कॉइन की जो हाइट आपको गिवन है, थिकनेस जो गिवन है वो कितनी है, 2 mm। और आपको पता ही है सारी चीज़ें हम किस में, सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो 2 mm को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे कितने कॉइन यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे कितने कॉइन को मेल्ट करना पड़ेगा और फिर ताकि मैं इतने साइज़ का एक क्यूबॉइड तैयार कर पाऊँ, ठीक है। तो एक बात बताइएगा ध्यान से, जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था कि उसमें क्या क्या था आपका, कि उसमें आइसक्रीम को कन्वर्ट करना था कोन में, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ कॉन्स एन कंसीडर कर लिए थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें करना है आपको। क्या करना है कि हमने मान लिया एक कॉइन है, एक कॉइन का वॉल्यूम मैं निकाल लूँगा, ठीक है। एक कॉइन का वॉल्यूम निकाला और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एन कॉइन्स चाहिए मुझे कि ऐसा मेरा बन पाए, इस डायमेंशन का क्यूबॉइड में बन जाए। तो यानी एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और वो वॉल्यूम जो आएगा, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही काम किया हमने, क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, इसको भूल जाओ अभी क्या है, पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन देखा। वन कॉइन का वॉल्यूम निकाल लिया तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दी, एन से। एन से मल्टीप्लाई कर दी तो एन कॉइन्स का वॉल्यूम निकल जाएगा और एन कॉइन्स का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल रखना है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल रखना है, ठीक है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, देखिएगा एन तो एज इट इज़, वन कॉइन, कॉइन किस शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको, ये क्या हो गया, 2 हाइट हो गई, ठीक है। रेडियस हमने फाइंड कर लिया तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, देखो N की वैल्यू रखती है यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, और इंटू 1.5, देखो R कितना था हमारा, 1.75 बाई 2, इसको इसका स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई कर दी, 1.75 बाई 2 इंटू 1.75 बाई 2, क्लियर है। H कितना था, कॉइन की बात कर रहे हैं तो कॉइन की हाइट देखेंगे, 2/10 सेंटीमीटर था जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो 2/10 आपकी वैल्यू आ गई। L की वैल्यू कितनी है, क्यूबॉइड में आ जाओ, L की वैल्यू कितनी है, 5.5, B की वैल्यू कितनी है, 10, और H की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखो जितने भी नीचे नंबर लिखे थे इन सभी को हमने क्या, बच्चे यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उनको कैलकुलेट करोगे तो बहुत कैलकुलेशन बहुत टिपिकल पड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी आपके पास नंबर है 7, 2, 2, 10, ये नीचे है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी कैसे की है। तो 5.5 × 10 × 3.5, ये एज इट इज़ आ गया, 5.5, 10, 3.5, ये 7 इधर जाएगा, 7 आ गया, 2 इधर गया, 2 आ गया, ये वाला 2 इधर गया, ये 2 आ गया, ये वाला 10 इधर जाएगा, ये 10 आ गया, ठीक है। नीचे क्या होगा, ये 22, 1.75, 1.75 इंटू 2, ये कहाँ आ गया, नीचे। देखो इसको कैलकुलेशन कैसे की मैंने, इसको समझ लेते हैं एक बार। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एन इक्वल टू, ठीक है, ये आपका एज इट इज़ था 5.5 × 10 × 3.5, ठीक है। ये सारे नंबर ऊपर चले जाएंगे, 7 × 2 × 2 × 10, ठीक है, अपॉन ये वाले नंबर नीचे 22 × 1.75 × 1.75 × 2, ये वाले नंबर आपके नीचे आ गए। देखो मैंने क्या कहा कि ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, हटेगा तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 2, ठीक है।
कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, दो के बाद, ये वाला पॉइंट हटा, ये वाला पॉइंट हटा, तो कितना जाएंगे, दो और दो चार जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, क्लियर है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको दिखाई दे रहा है 22 है या 55 है, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, ठीक है। अब इस 5 से ये 175 कैंसिल करिएगा, 175 कर कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15, 3 हो गया 35, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, कैंसिल हो गया। और आपको दिखाई दे रहा है 35 ऊपर है तो 35 नीचे है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब 7 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, कितना हो गया 3, 7 5 35 आ गया, और 25 को ये 100 यहाँ पर है, 25 चौका 100, ये हो गया। तो आपकी n की वैल्यू कितनी बची, देखो ऊपर क्या क्या बचा है, 10, और क्या बचा है, ये वाला 10 बचा है, और ये क्या बचा है, 4, नीचे कुछ नहीं बचा। तो n की वैल्यू 10 × 10, 100 × 4, यानी 400 आ जाती है, ठीक है। इस तरह मैंने कैलकुलेशन की थी इसकी, देखिएगा ये आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो कितने कॉइंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यानी ऐसे ऐसे 400 कॉइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप इतनी वॉल्यूम का क्यूबॉइड बना पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।